हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूमिला और आप देख रहे हैं द फूड क्रेयॉन्स। आज एक स्टार्टर हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ऐसे पासा का फिलेट लिया है, तो ये 6 पीसेस लिया है ऐसा स्ट्रिप कट करके। तो इसको अभी मैरिनेट करेंगे हम। इसको हाफ टीस्पून गार्लिक पेस्ट मैं ले रही हूँ, आप इसमें गार्लिक का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो गार्लिक पेस्ट पहले ऐड करेंगे और उसी इसको नींबू के इसके साथ इतना सा नींबू मैं ऐड करूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा बच गया है, ठीक है, पूरा मैंने नहीं डाला है। तो इसको अच्छे से एक मिक्स देंगे। अभी इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही इजी होता है लेकिन खाने में ज़बरदस्त। देखिए, मैंने थोड़ा सा ही लिया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले सकते हैं। तो एक मैं हटा के रखती हूँ, वो मेरी बेटी के लिए है। तीखा नहीं, आप जितना तीखा खाती है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, अब एंड तक बने रहिए, देखिए कितना ईजी रेसिपी है ये। तो इसको अभी मैं फ्रिज में 3 घंटे के लिए डाल दूँगी। अभी इसको ढक के फ्रिज में मैं डाल दूँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसमें 1/2 टीस्पून जितना नमक मैं ऐड कर रही हूँ। और जो मैरिनेटेड फिश है उसमें भी अभी नमक ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून जितना। तो नमक दोनों में डिवाइड करके ही ऐड करना है। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अभी मैदा को मैंने नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको पानी से पतला सा एक बैटर बना लेंगे। उसमें लम्स रहना नहीं चाहिए, तो पतला ये आप एक में भी कर सकते हैं। मैं आज मैदे में बना रही हूँ, तो इसको अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो देखिए दोस्तों, इसमें अभी जो है जो स्ट्रिप था उसको लेके पहले ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे अच्छे से एक कोटिंग डाल लेंगे पहले, उसके बाद फिर जो मैदा का घोल है उसमें डालेंगे, फिर से एक बार अच्छे से ब्रेड क्रम्ब पे हम डाल लेंगे और इसके बाद हम ऑयल में इसको छोड़ देंगे। तो अच्छे से कोटिंग करना है और मैं बोलूँगी कि थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम्ब लेके ही बनाने के लिए, नहीं तो वो गीला हो जाता है। अभी ऑयल गरम हो गया है, ऑयल में हम छोड़ देंगे। तो इसको बिल्कुल ही धीमे आंच में ही हमें पकाना है, क्योंकि जो ब्रेड क्रम्ब है नहीं तो वो जल जाएगा। तो धीमी आंच में एक एक करके हम लोग छोड़ देंगे, पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद, देखिए मिर्च का जो है मैंने सबसे पहले लिया था, कलर देखिए कितना अच्छा से आया है। तो इसको बिल्कुल ही धीमे आंच में हम लोगों को फ्राई करना है, क्योंकि अंदर जो फिश है उसको पकने के लिए जो टाइम चाहिए उसको देना है, क्योंकि बाहर का जो ब्रेड क्रम्ब है, नहीं तो अगर हम लोग धीमी आँच में नहीं पकाएंगे तो ब्रेड क्रम्ब जो है वो जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले मैंने डाली थी, तो ये बन के रेडी हो गया है। इसका ऑयल निकाल के इसमें अभी उठा लेंगे। देखिए कितना बढ़िया बना है। इन दोनों को पकने में और थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि बिल्कुल धीमे आंच में पक रहा है, तो इसको पकने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ये दो भी हो गया है, तो इसको भी उठा लेंगे। नेक्स्ट बैच अभी डाल देंगे। तो ये थोड़ा रहेगा क्योंकि ब्रेड क्रम्ब जो था, तो ये कोई झंझट की बात नहीं है, बाद में हम लोग इसको रीयूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट बैच भी डाल दिया है। तो अभी ये
तो इसको फ्राई होने के लिए अभी छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों ये भी बनके तैयार हो गया है। धीरे धीरे एक एक करके सबको निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों ये बनके हमारा फिश फिंगर बोल सकते हैं, फिश स्ट्रिप बोल सकते हैं, जो बासा के फिलेट से बनाया है हमने, तो वो बिल्कुल बनके रेडी है। कितना इजी स्नैक्स रेसिपी है ये आप देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक लगता है। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी गेस्ट आने से पहले आप मैरिनेट करके रखिए, सिर्फ फ्राई करके उन लोगों को सर्व कीजिए। तो ये फिश स्ट्रिप जो मैंने बनाया, फिश फ्राई या फिश स्ट्रिप बोल सकते हो आप, तो ये आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। आपने देखा ये कितना इजीली ये बन जाता है। तो घर में अगर गेस्ट आ रहा है या इवनिंग स्नैक्स में या कोई भी टाइम पे हम लोग ये खा सकते हैं। अब तक तो मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दीजिए होंगे, अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल है उसको दबाना भी मत भूलना। आपने इतना मेरा साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तब तक के लिए टेक केयर।